कोरोना से भारी तबाही के बीच वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा, कोलकाता से लेकर मुंबई तक नकली वैक्सीनेशन के सिंडिकेट का खुलासा। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव का भंडाफोड़, बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती कोरोना के फ्रॉड टीके का शिकार हुई। वैक्सीन लेने के बाद मिमी चक्रवर्ती की बिगड़ी हालत, टीएमसी सांसद ने कोलकाता के एक कैंप में ली थी वैक्सीन की पहली डोज। कोलकाता पुलिस ने वैक्सीनेशन कैंप लगाने वाले फर्जी आईएएस अफसर को किया गिरफ्तार, आरोपी देवांजन देव के घर से कोविशील्ड के नकली लेबल और कई डॉक्यूमेंट बरामद। मिमी चक्रवर्ती के मुताबिक खुद को आईएएस अफसर बताकर देवांजन देव ने कैंप में बुलाया, ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगों के लिए स्पेशल ड्राइव का किया था दावा। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले में ममता बनर्जी सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन, देवांजन देव के घर मिली थी कोविशील्ड के फर्जी लेबल। पश्चिम बंगाल में करीब 1500 लोगों को लगाई गई नकली वैक्सीन, मामले में सख्ती से जांच में जुटी पुलिस। फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था का हवाला देकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में भी 2000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई फेक वैक्सीन, फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को नकली वैक्सीन लगाई गई। महाराष्ट्र में फर्जी वैक्सीन मामले में अब तक 8 FIR दर्ज, एक प्राइवेट अस्पताल के 2 डॉक्टर समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में फर्जी वैक्सीन मामले को लेकर प्रशासन सख्त, मामले की जांच में SIT को सौंपा गया। बिहार के छपरा में कोरोना वैक्सीन की जगह खाली इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल, आरोपी नर्स सस्पेंड। वैक्सीन के नाम पर लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़, नकली वैक्सीन बढ़ा सकता है कोरोना वायरस का खतरा। देश में कोरोना टीकाकरण कवरेज 32 करोड़ के पार, वैक्सीनेशन के नए फेज में तेजी से लग रहे हैं डोज। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच पीएम मोदी की बैठक, देखी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के रिपोर्ट कार्ड, दिसंबर तक पूरे देश का टीकाकरण करने का दिया लक्ष्य। दिल्ली में कल से लागू होगा अनलॉक पार्ट 5 की नई गाइडलाइन, राजधानी में कल से जिम और योग सेंटर्स को खोलने की इजाजत। दिल्ली में शादी में शामिल हो सकेंगे 50 मेहमान, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में शादी की इजाजत। फिलहाल सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और थिएटर खोलने की इजाजत नहीं, स्विमिंग पूल और साथ ही स्पा सेंटर को लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण केस की NIA करेगी जांच, NIA ने जांच की जानकारी गृह मंत्रालय के साथ साझा की। 8 राज्यों में फैले धर्मांतरण केस की जांच, UPATS ने NIA को सौंपी, जांच एजेंसी ने UPATS से मांगी पूरी रिपोर्ट। पूरे केस की पड़ताल के लिए लगाई जा सकती है NIA की 2 यूनिट, धर्मांतरण से जुड़े हर कड़ी को जोड़कर किया जाएगा जांच को। धर्मांतरण मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों की जांच अब ED और इनकम टैक्स करेंगे, दोनों के अकाउंट में ATS की मिली विदेशी फंडिंग की जानकारी। जनसंख्या ज्यादा करने वालों को योगी सरकार का तमाचा, यूपी में आज से 10 जुलाई तक चलेगा 2 बच्चे ही अच्छे का अभियान। अभियान के तहत दंपतियों की घर घर जाकर होगी काउंसलिंग, 11 जुलाई से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारी, असम के बाद जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन, 25 गैंगस्टर्स से योगी सरकार ने वसूले 11 अरब 28 करोड़ रुपए। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक 22,000 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, 25 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के हौसले पर चला बुलडोजर, हजारों करोड़ की चल अचल संपत्ति पर कार्रवाई। बिहार में बाढ़ और भारी बारिश से हाहाकार, बारिश ने 23 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड, ज्यादातर नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। भारी बारिश की वजह से बिहार विधानसभा परिसर में भारी जलजमाव, पटना में डिप्टी CM रेणु देवी के घर में भी भरा पानी। राजधानी पटना में प्रशासन के दावों की खुली पोल, भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाके जलमग्न। पटना में कुछ घंटों की तेज बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, पूर्व मंत्री और विधायक नंदकिशोर यादव का आवासीय परिसर भी जलमग्न। पटना के बऊर जेल में भी घुसा बाढ़ का पानी, कैदियों का सभी वार्ड हुआ पानी पानी। बिहार के पटना सिटी का NMCH हुआ पानी पानी, अस्पताल परिसर से लेकर वार्ड तक में भरा बरसात का पानी, ICU वार्ड में मरीजों को शिफ्ट किया गया। महज चंद घंटों की बारिश ने खोली पटना नगर निगम की पोल, राजधानी के जल जमाव से मुक्त करने की सारी तैयारियां फेल होती आई नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित, PM को सुनने के लिए बूथ स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे तैयार।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह लद्दाख दौरा, आज सेना की तैयारी की करेंगे समीक्षा, सेना प्रमुख नरवणे भी होंगे साथ में मौजूद। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक, पार्टी महासचिवों के साथ जेपी नड्डा ने किया मंथन। अभिषेक बैनर्जी के करीबी और टीएमसी नेता विनय मिश्रा और उनके भाई विकास मिश्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, पशु तस्करी और कोल घोटाले में 6 करोड़ की संपत्ति जब्त। श्रीनगर के बर्बर शाह में आतंकियों ने की कायराना हरकत, सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड से हमला, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में मच चलाया सर्च ऑपरेशन। यूपी में अखिलेश यादव ने पार्टी के 11 जिलाध्यक्षों को किया बर्खास्त, पंचायत चुनाव में हार से थे नाराज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, डीएम ऑफिस के बाहर जमकर की नारेबाजी। राष्ट्रपति के दौरे के बीच बीमार महिला की जाम में फंसकर मौत, कानपुर पुलिस कमिश्नर ने मांगी माफी, दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ तैयारी हुई तेज, सीएम तीरथ ने किया 5 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण, एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। बाइक बोट घोटाले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई, बीएन तिवारी समेत 11 लोगों पर दर्ज किया गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा, अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जब्त। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी के डॉग दस्ते के अहम सदस्य चोको हुए रिटायर, चोको के लिए आईटीबीपी ने रखी शानदार फेयरवेल पार्टी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सोना और कैश चोरी मामले में इनामी बदमाश सनी गिरफ्तार, 3.5 करोड़ कैश के साथ सोने के बिस्किट और 88 लाख के जमीन के कागजात भी बरामद। भारत में जुलाई से मिल सकती है सिंगल शॉट जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन, कीमत होगी 1,850 रुपए। कोरोना का फायदा उठाकर 1,47,000 नई कंपनियां बनी, हेल्थ और सैनिटाइजेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल। रुक नहीं रही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की रफ्तार, देश के 15 राज्यों में पेट्रोल हुआ 100 के पार।